आता सब पढ़ने है, और हर बच्चा ब्रिलियंट आता है। ये बात है। मैंने जब 12th किया था उस समय तो मेरा 99 मार्क्स आया था मैथ में। मतलब कहने को बोल सकते हैं कि मैं भी बहुत इंटेलिजेंट था, मैं भी पढ़ता था, लेकिन यहाँ आके मैं IIT क्लियर कर नहीं पाया। ठीक है, आज की डेट में मोबाइल जो है सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का रीज़न है। बच्चा रूम में अकेला रहता है तो ज़्यादा क्या होता है, पढ़ने बैठा 10-20 मिनट पढ़ेगा, फिर से मोबाइल स्क्रॉल कर लेगा। सही है। तो मेरा इस ईयर का ये नया टारगेट कॉन्सेप्ट आज की डेट में खोज रहे ना, वो देखते हैं आकर के कि खाना फूडिंग कैसा, जबकि मेन पॉइंट पेरेंट्स का होना चाहिए कि वहाँ की कंडीशन कैसी है, कि आप एटमॉस्फेयर कैसा दे रहे हैं, आप बच्चे के सिलेक्शन के लिए मेहनत कितनी कर रहे हैं। हम लाखों रुपए हमारे बच्चे पर चावी कस्ता साकी tan cerquita de mí y me hace falta porque la última vez que vine tú no estabas. हेलो गाइस, माय नेम इज जुबैर अख्तर, और आज के इस वीडियो में हम आपको मिलाने वाले हैं दीपक भैया से। और ये कहीं मतलब लास्ट कई सालों से अपना हॉस्टल का काम कर रहे हैं और इतनी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहे हैं। लास्ट ईयर जैसे हम इनके पास आए थे, काफ़ी स्टूडेंट्स इनसे इनके हॉस्टल में रहे, जैसे प्रियांशु था लास्ट ईयर, काफ़ी स्टूडेंट थे तो उनके बहुत ही अच्छे रिव्यू आए थे। तो आज इनसे बात करते हैं, इन्होंने कैसे ये काम शुरू करा और किस तरीके से स्टूडेंट की हेल्प करते हैं। तो ये काम आपने कब से शुरू करा हॉस्टल का? हेलो जुबैर भाई, कैसे हैं? बढ़िया है। हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दीपक चौधरी। एक्चुअली मैं इस बिजनेस में लास्ट 6 ईयर से हूँ हॉस्टल लाइन में, और मैं भी पहले आपके तरह स्टूडेंट्स की तरह मैं भी स्टूडेंट था। LN में मैं भी प्रिपरेशन करने के लिए आया था यहाँ 2013-14 में, मैंने फिर प्रिपरेशन किया। फिर मैंने यहाँ पर जो स्ट्रगल जो फील किया तैयारी के दौरान, एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पर बच्चा आता सब पढ़ने है और हर बच्चा ब्रिलियंट आता है। ये बात, मैंने जब 12th किया था उस समय तो मेरा 99 मार्क्स आया था मैथ में। मतलब कहने को बोल सकते हैं कि मैं भी बहुत इंटेलिजेंट था, मैं भी पढ़ता था, लेकिन यहाँ आके मैं IIT क्लियर कर नहीं पाया। मेरा साथ मेरा एक फ्रेंड रहता था नीरज, वो आज IIT से BTech करके आया है, इंजीनियरिंग करके कोटा में ही एक स्टार्टअप चालू किया है। मेरा रहा है, मैं उसके साथ हूँ उस स्टार्टअप में, हालांकि क्योंकि मेरा फ्रेंड था और मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ चीज़ों को बिजनेस करते हुए। तो मैं यहाँ जो चीज़ नहीं कर पाया, मैं उस चीज़ को पूरा फील करते हुए मैं वही फैसिलिटीज़ बच्चे को प्रोवाइड करता हूँ कि बच्चा मेनली जो है अपना टारगेट फोकस रखे स्टडी पे। सारी चीज़ों के लिए, हर चीज़ के लिए हम यहाँ पे हैं, पूरा गार्जियनशिप के लिए हम हैं, फिर भी बच्चा कर नहीं पाता। उसका रीज़न सिर्फ ज़्यादा यही रहता है, बहुत ज़्यादा दोस्ती बढ़ जाना, एक बहुत बड़ा सर्कल बना लेना, लाइन ऑफ ट्रैक से भटक जाना। तो उन चीज़ों पर मैं पूरा फोकस्ड रहता हूँ, और मैं कुछ समय से देख रहा हूँ। मैं पेरेंट्स के लिए भी एक मैसेज देना चाहता हूँ, पेरेंट्स घर से बच्चे को लेकर निकलते हैं तो उनका फोकस रहता है कि हमारा बच्चा जा रहा है इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। यहाँ आते आते वो जो सबसे जरूरी चीज़ है उसका रेजिडेंस बच्चे का, हॉस्टल या PG जहाँ भी वो रख रहे हैं, वहाँ आके वो सिर्फ सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट आज की डेट में खोज रहे ना, वो देखते हैं आकर के कि खाना फूडिंग कैसा, जबकि मेन पॉइंट पेरेंट्स का होना चाहिए कि वहाँ की कंडीशन कैसी है, कि आप एटमॉस्फेयर कैसा दे रहे हैं, आप बच्चे के सिलेक्शन के लिए मेहनत कितनी कर रहे हैं। हम लाखों रुपए हमारे बच्चे पे लगा रहे हैं, बच्चे का सपना इतना बड़ा सपना है, बच्चे का सपना टूटता है तो पेरेंट्स कितने हर्ट होते हैं, बच्चा कितना हर्ट होता है। वो नहीं देखते कि हॉस्टल वाले अपने बच्चे के लिए सिलेक्शन में क्या मदद कर रहे हैं, किस तरीके से हमारे बच्चे को पढ़ने में आगे बढ़ा रहे हैं। वो सिर्फ ज्यादा सिर्फ पता नहीं कुछ चीजों पर सिमट कर रहेगा, खाना आप कैसा देंगे, जबकि सिर्फ खाने से पढ़ाई नहीं हो रही है। खाना तो हर हॉस्टल वाला दे रहा, हर लोग कहीं भी मिल रहा, खाना तो आपको घर पे भी अच्छा ले ही रहा था ना। देखिए, आपको एक बड़ा मुकाम पाना है तो कुछ ना कुछ जिंदगी में आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सैक्रिफाइस इज बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस। मैं इतने सालों से मेरे घर से अलग रह रहा हूँ, मैं कोटा से नहीं हूँ, आप जानते ही, मैं यहाँ रह रहा हूँ किसी चीज के लिए रह रहा हूँ, इतनी मेहनत है, उसके बाद भी आप वो नहीं पाओ तो ये बहुत गलत। आप यहाँ आए, 1 साल 2 साल आपने तैयारी की, तो यहाँ से आपको घर नहीं जाना है वापस, आपको IITs, NITs, NEET, मेडिकल के कॉलेज, एक अच्छे कॉलेज ही जाना है, वो फोकस आप लेकर आओ। मतलब उसके लिए अब मैं मेहनत करता हूँ। लास्ट ईयर मेरे कोविड तक, मैं आपको बता दूँ, कोरोना काल में जब लॉकडाउन लग गया था ना अपना 2020 में, ये मार्च के करीब बंद हो गया था, तो फिर 2-3 महीने प्रॉपर बंद रहा था। फिर उसके बाद जो सिंसियर बच्चे थे, जैसे कि मैं तो सिंसियर पूरा ध्यान रखता हूँ बच्चों पर, पूरा फोकस्ड रहता हूँ कौन बच्चा कितना आगे जा रहा है, तो जो सिंसियर बच्चे थे उनके मुझे 2-3 महीने बाद कॉल आया कि भैया घर पे स्टडी नहीं हो रहा और कोटा हॉस्टल वगैरह बंद है, हम क्या करें, और कोटा में हमारा माहौल बना हुआ, हॉस्टल में आपके साथ बना हुआ था,
तो मैंने उनको बोला, उस समय कोई स्टाफ नहीं था हॉस्टल में, मैंने बोला आप आओ, मोस्ट वेलकम, आप कोटा आ जाओ। वो बच्चे आ गए, 6-7 बच्चे पूरा लॉकडाउन यहाँ रहे मेरे साथ, उस सातों के सातों आज किसी ना किसी कॉलेज में, 3 बच्चे उनमें से डॉक्टर बन गए। उस समय खाने बनाने वाला कोई स्टाफ नहीं था, हम लोगों ने टिफिन अरेंज करे जैसे तैसे हुए, वो भी अरेंज नहीं होते तो हम मिलकर खाना बना लेते थे। तो मेरा डेडिकेशन ये है कि मेरे बिल्डिंग में 40 बच्चा रह रहा है ना, वो 40 का 40 एक अच्छा कॉलेज जाना चाहिए, उसके लिए मैं पूरा मेहनत करता हूँ। मैं खुद IIT के लिए तो मैं इतना वो हूँ, जैसे मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, हालांकि मैंने प्राइवेट कॉलेज से किया, तो IIT जब आप कॉलेज निकाल लेते हैं, आप तो जुगर भाई जानते हैं, एक काउंसलिंग होता है उसको, दैट्स कॉल्ड जोसा काउंसलिंग। मैं खुद जोसा काउंसलिंग में एक्सपर्ट हूँ, आप भी हैं, आप तो है ही, और मेरा एक कलीग से नीरज है जैसे IIT से पढ़कर आया, वो है, तो उनका पूरा हेल्प मिलके हम बच्चे का पूरा टिल कॉलेज जाने तक पूरा मदद करते हैं, मतलब काउंसलिंग भी आप पूरा, काउंसलिंग तक में हम एक्सपर्ट हैं। ये चीज कोई हॉस्टल वाला आपको प्रोवाइड नहीं करे। NTA की जो भी एग्जाम की इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको 5-6 महीने पहले अवेलेबल करा देंगे, कि एग्जाम में आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस डेट का चाहिए, हर चीज अवेलेबल कराएंगे। बाकी देखो हजारों हॉस्टल है, सब आपको एक रूम वेल फर्निश्ड मेस वगैरह सब प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हम भी प्रोवाइड करेंगे जो सब लोग प्रोवाइड कर, लेकिन उनसे हटकर मेरा टारगेट है कि 2023 का तो मैं 100% आपको नहीं बोलूंगा, लेकिन 2024 में मेरे जितना बच्चा रहेगा वो सबका सब मुझे कॉलेज भेजना, इस साल मैंने ये बिल्कुल पूरा ठान लिया। और ये यहाँ पर यूनिक क्या है, मतलब ये हॉस्टल क्यों चुने, तो इसके पीछे का मैं रीजन बताता हूँ। जैसे भैया इसी बैकग्राउंड से, अब जो और कोई है वो तो बिल्कुल नहीं जानता कि बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये तो खुद फेस करके आया ना वो चीज, तो ये ज्यादा बढ़िया तरीके से आपको समझ पाएंगे और आपकी जो प्रॉब्लम है वो दूर कर पाएंगे और के कंपैरिजन में। बाकी एनी टाइम देखो, मैं हूँ, मेरे बड़े ब्रदर है, हम दोनों भाई 24 घंटे बच्चों के साथ हॉस्टल में ही रहते हैं, हमारा फैमिली सब उधर रहते हैं, यूपी से हूँ मैं, तो मेरा हम लोग दोनों 24 घंटे यहीं रहते हैं, कभी घर जाना होता तो हम दोनों एक साथ नहीं जाते, एक एक करके जाते, चाहे किसी का परिवार में चाहे सगा कोई शादी हो तब भी नहीं जाते। हमारा टारगेट है बच्चा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। देखिए व्यापार तो बाद में है, हम एक व्यवहार बना रहे हैं, व्यवहार जितना बनेगा बच्चा जितना सक्सेस होता जाएगा हमारा व्यापार उतना बढ़ता जाएगा। आज की डेट में LN को देखो आप कहां से कहां पहुंच गए, आप देखो पेरेंट्स आते हैं कोचिंग इतना सिंसियरली से चुनते हैं कि बेस्ट ही चुनेंगे, सही है, सबसे बेस्ट चुनेंगे हम LN ही चुनेंगे, या जो उनको लगता है बेस्ट चुनेंगे, चाहे फीस हमारा एक्स्ट्रा लग जाए, सही। हम लोग तो बहुत नॉर्मल बजट में आपको बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप मेरे यहाँ लें नहीं लें वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा आने के बाद कोटा में, आप एक बार विजिट करें देखें, लेकिन आप चुने वहां एक ऐसी जगह चुने जो आपके बच्चे की पढ़ाई में भी कुछ कर रहा हो। खाना वगैरह तो क्या है, अगर मान लो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे साल भर अगर हो भी गया तो क्या इशू है, कोई ऐसा इशू है नहीं। खाना और रहना पीना तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है, करना पड़ेगा। देखो और कम होता है कोटा, और देखो मैं बताऊं, पूरा लिस्ट वगैरह बना के रखता हूं बच्चे की, मॉर्निंग क्लास किसकी, इवनिंग किसकी है, मॉर्निंग क्लास को उठाने तक का जिम्मा मैं स्टाफ को देकर रखता हूँ। इवन मैं यहाँ सोता हूँ तो पूरा हर एक बच्चे का मॉनिटर रहता है मेरे को, रात में कौन कितने बजे तक पढ़ रहा था, कौन मटरगस्ती कर रहा था, हर चीज पूरा मॉनिटर रहती है, 24 घंटे इधर ही रहना है ना मुझे, सही। तो वो सारी चीजें मेरे ब्रदर और मेरे फ्रेंड हैं जैसे नीरज जी, उनके बारे में वो बराबर से आते रहते हैं, काउंसलिंग सेशंस यहाँ मैं कराता हूँ। अच्छा। मेरे राकेश सर हैं बहुत अच्छे परिचित हैं LN में, IIT के लिए केमिस्ट्री क्लासेस लेते हैं। अच्छा। वो सर मेरे इतने क्लोज हैं कि मैं अगर बोलता हूँ तो बच्चों को यहाँ तक मेरे गाइड करने आ जाते हैं हॉस्टल तक, पूरा अच्छे से गाइड करते हैं आपको करना कैसे है कैसे नहीं करना, तो पूरा गार्जियनशिप आपको यहाँ मिलेगा आपके सलेक्शन के लिए, ये है। बाकी आपको रूम्स वगैरह वो चीजें हैं वो भैया आपको दिखा देते हैं हमारे किस तरीके के हैं। और बताएं सर, तो रूम का टूर दे लेते हैं पहले, आप रूम्स वगैरह का टूर लीजिए सब कुछ। I've been counting down my days, counting down my days to get out. I've been looking for a way from this town. And you're too far away to help me now. So I'm counting down the days to get. सर ये हमारा सिंगल रूम है, सिंगल बेडेड रूम है, एसी लगी हुई है इसमें, ये बेंच है इधर, ये अलमारी है। अच्छा, तो ये सिंगल रूम है जी। सर ये हमारा डबल रूम है, डबल बेड है, इसमें एसी लगी हुई है, ये टेबल चेयर कुर्सी वगैरह प्रॉपर है। तो ये जो आपने बेंच वेंच लगा रखी है इसके पीछे का जो चेयर से ये सब इसके पीछे जुबेर भाई एक्चुअली क्या, आज की डेट में मोबाइल जो है सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का रीजन है। बच्चा रूम में अकेला रहता है,
तो ज्यादा क्या होता है, पढ़ने बैठा 10-20 मिनट पढ़ेगा फिर से मोबाइल स्क्रॉल कर लेगा। सही है। तो मेरा इस ईयर का ये नया टारगेट कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, ये चेयर्स एक्चुअली मिली नहीं थी मार्केट में, मैंने ऑर्डर दिया है अभी, तो पूरे हॉल में मैं चेयर्स लगा दूंगा, इसमें हॉल अवेलेबल है मेरे पास, चेयर्स लगा दूंगा। तो बच्चा दिन का कम से कम एटलीस्ट 5-6 घंटे यहाँ हमारे सामने बैठ के, मैं इधर बैठूंगा या किसी को बिठाऊंगा, तो यहाँ हमारे सामने बैठ के स्टडी करे, जिससे वो जो होमवर्क वगैरह उससे एलएन वगैरह या इंस्टीट्यूट से जो दिया जाता है उसको बराबर से अपना कंप्लीट कर सके और फोकस बना रहे स्टडी पे। देखिए ये कॉन्सेप्ट बच्चे ने अगर महीने 2 महीने भी फॉलो कर लिया ना, तो उसके बाद वो रूम में भी रहेगा ना तो भी पढ़ेगा, क्योंकि वो हैबिट हो जाएगी। बहुत बड़ा बिग चेंज आ जाएगा इससे। बहुत चेंज है। आपको देखो हैबिट ही तो है जो कहीं से कहीं लेके जा सकती है, आदत ही जरूरी चीज है। जिस समय बच्चा यहाँ रहेगा तो उसका मोबाइल मैं मेरे पास रख लूंगा, एक इधर स्विच ऑफ करके साइलेंट करके जो भी मोबाइल इधर रखा रहेगा, बच्चा इधर अपना स्टडी करे, मॉर्निंग में करे, इवनिंग समय में करे, या नाइट में अपन इसको 1 बजे तक करेंगे। ये बिल्कुल अभी चालू हो जाएगा, आप बहुत जल्दी, मेरा 5-6 दिन में ऑर्डर दिया हुआ, चेयर्स वगैरह सब आ जाएगा। ये उसके लिए मैं पूरा लाइब्रेरी एज ए लाइब्रेरी में बना रहा हूँ बच्चों के स्टडी के लिए। ठीक है। अब ये जो है ये दीपक भैया के हॉस्टल का मेस का सिस्टम है, यहाँ पर स्टूडेंट्स आके बैठ के और अपना फूड ब्रेकफास्ट लंच डिनर ये सब करते हैं, और यहाँ पर जो फूड है वो रिच प्रोटीन वाला फूड मिलता है और सारी चीजें नीट एंड क्लीन है, आप देख सकते हैं। और ये कुछ